Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और सीजीपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का। तो मैं आपको बता दूं, एनालिसिस के लिए हमने 2016, 2017 और 2018 के क्वेश्चन पेपर्स को कंसिडर किया है या लिया है। एक बात और बता दूं आपको कि सिलेबस और पैटर्न में हुए बदलाव के चलते 2016 और 17 से पैटर्न बदल चुका है और पैटर्न बदलने के पश्चात एक बार ही मेंस का पेपर हुआ वर्ष 2018। अगर मैं बात करूं 2016 और 17 की, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पेपर 5 के भाग 4 में रखा गया था। किसमें रखा गया था? पेपर 5 के भाग 4 में। लेकिन नवीन पैटर्न के अनुसार इसे रखा गया है पेपर 5 के भाग 1 में। अब जो पेपर 5 है उसके 3 भाग हैं। पहला भाग जो है वो है अर्थव्यवस्था का, जिसमें इंडियन और छत्तीसगढ़ दोनों की अर्थव्यवस्था को रखा गया है। इसके अलावा दूसरा भाग जो है वो है भारत के भूगोल का, और तीसरा भाग जो है वो है छत्तीसगढ़ के भूगोल का। अब ये जो कुल पेपर 5 है नए पैटर्न का, इस 5 को 3 भागों के अलावा 5 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में, जिसके पहले खंड में आते हैं 2 अंकों के प्रश्न जिनकी शब्द सीमा होती है 30। जो खंड 2 है उसमें आते हैं 4 अंकों के प्रश्न और शब्द सीमा होती है 60। खंड 3 जो है उसमें आते हैं 8 अंकों के प्रश्न जिसमें शब्द सीमा होती है 100। इसके अलावा खंड 4 में आते हैं 10 अंकों के प्रश्न जिसकी शब्द सीमा होती है 125 शब्द, और खंड 5 जो है उससे आते हैं 15 अंकों के प्रश्न जिसकी शब्द सीमा होती है 175 शब्द। अब ये जो भाग 1 है, मतलब भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, तो इससे खंड 1 में आते हैं 8 सवाल, मतलब भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिला के आपको 2 अंकों के 8 सवाल मिलेंगे। इसके अलावा खंड 2 से, मतलब 4 अंकों के कितने प्रश्न मिलेंगे, तो मिलेंगे 5 प्रश्न, और खंड 3 से, मतलब 8 अंकों के कितने प्रश्न, तो 3 प्रश्न। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भाग 1 से खंड 4 में, मतलब 10 अंकों का कोई प्रश्न नहीं आता, इसकी जगह खंड 5 मतलब 15 अंकों के 2 सवाल आते हैं जिसमें से किसी एक सवाल को हल करना होता है या किसी एक सवाल का उत्तर लिखना होता है। तो देखिए, 2 अंकों के 8 प्रश्न तो हो गए 8 दुनी 16 अंक, उसके बाद 4 अंकों के 5 प्रश्न मतलब हो गए कितने अंक, तो 20 अंक, और 8 अंकों के 3 प्रश्न मतलब हो गए कितने, तो 24 अंक। तो कुल जोड़ दूं तो कितना हो गया, तो 24 और 16 हो गया 40, और 40 और 20 हो गया 60। तो खंड 1 2 3 से 60 अंक, और दूसरा यह जो खंड 5 है उसमें से 15 के 2 सवाल आए थे, किसी एक का जवाब देना है, मतलब कुल अंक हो गए इसके 15। तो 60 और 15 को जोड़ दूं तो हो गया 75। मतलब पेपर 5 के भाग 1 जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, ये आता है
75 अंकों का। आपको फिर से बता दूं कि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिला के हुए कितने, तो 75 अंक। अब हम क्या करेंगे, तो हम एनालिसिस के लिए उठाएंगे प्रश्नों को 2016 से, 17 से और 18 से। अब एनालिसिस का पैटर्न समझिए, ये जो वीडियो है ये प्रश्नों और उत्तरों का वीडियो नहीं है, ये जो वीडियो रहने वाला है ये बेसिकली रहने वाला है अप्रोच से संबंधित, मतलब किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए था, और इससे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण डेटा है तो उस डेटा को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि ये सभी जो डेटा है ये आपको कहां कहां से उपलब्ध हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 अंकों के प्रश्नों के साथ। तो पहला ही प्रश्न है वर्ष 2016 से, तो वर्ष क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 2016, और पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की बजटीय प्रबंधन नीति क्या है। इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज द बजटरी मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का संबंध किससे है, तो इस क्वेश्चन का संबंध है छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 से। तो किससे संबंध है, तो छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 से। तो इस अधिनियम से कम आपको उद्देश्य तथा 1 या 2 प्रावधान अपने आंसर में डाल लें। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 2 अंकों का, मतलब 30 शब्दों का, तो इसमें लगभग आपको 4 लाइनें मिलने वाली हैं। तो 2 लाइनों में आप बता देते कि ये जो अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों इस अधिनियम को किया गया लागू, और उसके बाद आप बता देते इसके 1 या 2 प्रावधान बची हुई 2 लाइनों। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन में मिल सकते थे अधिकतम अंक। अगला सवाल था महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक संकेतक कौन कौन से हैं। तो पहले तात्पर्य समझते हैं महिला सशक्तिकरण का, तो अगर मैं बात करूं सामाजिक दृष्टिकोण से तो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, अगर मैं बात करूं राजनैतिक दृष्टिकोण से तो है सहभागिता बनाना या बराबरी पर लाना, और अगर मैं बात करूं आर्थिक दृष्टिकोण से तो आर्थिक दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, तो महिला को स्वतंत्र बनाना। तो अगर हम बात करें सामाजिक दृष्टिकोण के संकेतक तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा पारिवारिक हिंसा से संरक्षण। अगर मैं आ जाऊं राजनैतिक दृष्टिकोण के संकेतक तो क्या है, तो है आरक्षण। तो हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, मतलब स्थानीय प्रशासन के चुनाव में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है। अगर मैं आ जाऊं आर्थिक दृष्टिकोण के संकेतक तो कौन कौन से हैं, तो है महिला स्व सहायता समूह, इसके अलावा महिलाओं में स्वरोजगार को प्रमोट करना। तो ये हो गए कुछ एक संकेतक, इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो दूसरे संकेतकों को भी ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल था छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 51% से कम महिला साक्षरता वाले 4 जिलों के नाम बताइए, मतलब आपको सिर्फ नाम बताना है जिलों के, तो आप क्या करेंगे, इन जिलों के आप नाम बता दीजिए, और अगर आपको संबंधित प्रतिशत पता है तो संबंधित प्रतिशत भी बता दीजिए, और अगर यहाँ पे मैप बनाने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो, मतलब अगर आप मैप बना पाएं
तो जरूर बनाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि छोटे से जगह में पूरे छत्तीसगढ़ का जिला सहित मैप बनाया जाए, एक रफ आउटलाइन भी बनाएं और कम से कम उसमें जिलों को पॉइंट आउट करके रैंकिंग वाइज आप बता सके तो आपको मैक्सिमम अंक इस सवाल में मिल पाएंगे। अब आ जाते हैं वर्ष 2017 पे। अब वर्ष 2017 पे दो अंकों का पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के लिए उपाय बताइए। तो कृषि विकास जो है इसके बहुत से उपाय हैं। पहला तो है भूमि सुधार, दूसरा है सिंचाई, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और इन पॉइंट्स को आप आसानी से आंसर बनाकर लिख सकते हैं। कोशिश करें कि मिनिमम आप चार पॉइंट बताएं, क्योंकि चार लाइन है तो कम से कम पॉइंट वाइज अप्रोच में सीधा आप बिना इंट्रोडक्शन दिए आंसर को चालू करिए, 1, 2, 3, 4 और चार सुझाव आप बता दीजिए। अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखने में एक या दो लाइन गवा देंगे तो आप ये जो सुधार पूछे गए हैं या कृषि विकास के लिए उपाय पूछे गए हैं, इन उपायों पर आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे प्रश्न जिनमें कंटेंट बहुत है तो उसमें आप आंसर राइटिंग के पैटर्न पे उतना ध्यान न दें, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें। तो यहां पर कम से कम आपको चार उपाय बताने थे, तो चार लाइन है, हर एक लाइन पर कोशिश करें कि एक बता सकें और चार से अधिक उपाय बता दें तो और भी अच्छा। उस कंडीशन में आप दो उपायों को कॉमा करके अगल बगल भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में छत्तीसगढ़ की आश्रित जनसंख्या में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में क्या जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए। मतलब पूछा है कि कौन से डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, किसके, तो छत्तीसगढ़ के, और कंपेयर करके पूछा है किससे, तो नेशनल लेवल से, और किस डेकेड या दशक में पूछा है, तो 2001 और 2011 के दशक में। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो आश्रित जनसंख्या, इससे क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखें, आपने पढ़ा होगा कार्य सहभागिता दर या श्रम सहभागिता दर, तो 100 से अगर उस दर को माइनस कर दें तो जो बच जाता है वही है आश्रित जनसंख्या। तो आपको क्या करना है, तो बताना है 2001 और 2011 में छत्तीसगढ़ में और भारत में कितनी आश्रित जनसंख्या थी, और आपको बताना है कि भारत के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है कि कमी आई है। अब अगला प्रश्न आया था, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना क्या है। तो यह जो योजना थी मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, इसका संबंध किससे है, तो खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी से। तो इसी योजना को आपको समझाना था कि कब से शुरुआत हुई इसकी तथा इसका उद्देश्य क्या था। अगला सवाल आया था, छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि उपज धान का वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य कितना था। तो आपको यहां पर समर्थन मूल्य लिखना था, ध्यान रखना है क्या लिखना है, तो समर्थन मूल्य। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप धान और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य लिख सकते थे। अब अगला प्रश्न हम ले रहे हैं कहां से, तो वर्ष 2018 से। तो दो अंकों का पहला प्रश्न आया था, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम घटते क्रम में बताइए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे या आंसर लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में विधायक निधि की राशि कितने से बढ़कर कितनी हो गई है। तो ध्यान रखना है, बजट 2018-19 में इसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था। अगला सवाल था, 1 मार्च 2019 से छत्तीसगढ़ में कुल घरेलू बिजली खपत पर कितने यूनिट तक की बिजली का बिल आधा किया गया। तो ध्यान रखना, 400 यूनिट जो है बिजली, और वो भी कैसी, तो घरेलू, तो 400 यूनिट तक की जो खपत है उसका बिजली बिल क्या किया गया, तो आधा किया गया। इसके बाद अगला सवाल आया था, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की जानकारी दीजिए।
तो ये सीधा सीधा आपको इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण से मिल जाने वाला भाग है। इसमें राजकीय आय वाले चैप्टर में आप चले जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से प्रति व्यक्ति आय का डेटा वहां से मिल जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं हम चार अंकों के प्रश्न। तो देखिए, चार अंकों के प्रश्न, शब्द सीमा है 60 शब्द और लगभग कितनी लाइंस मिलने वाली है, तो मिलने वाली है आपको 6 लाइन। कितनी लाइंस? तो लगभग 6 लाइन। सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2016 का प्रश्न। तो पहला प्रश्न था ग्राम स्वराज अभियान क्या है। तो ग्राम स्वराज अभियान का तात्पर्य किससे था? तो था ग्रामीण स्तर की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये योजना आधारित सवाल है। इसमें आपको योजनाएं बतानी है। उदाहरण के लिए एक योजना है सरस्वती साइकिल योजना। तो आप पहले इस योजना को समझाएं कि इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार से बालिका शिक्षा के विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं भी हैं। उदाहरण के लिए है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और है बालिका प्रोत्साहन योजना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको इस सवाल में योजनाओं को ही डील करना था। चूंकि यह सवाल चार अंकों का है तो कोशिश करेंगे कम से कम चार योजनाओं को आप बता सके। अगर किसी योजना में अधिक फैक्ट्स हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली योजनाओं को आप थोड़ा शॉर्ट में समझाएं, लेकिन चार अंकों में कम से कम चार योजनाएं जरूर बताएं। इसके बाद अगला सवाल था वर्ष 2017 से। अब सवाल क्या था समझते हैं। तो वर्ष 2012-13 से लेके वर्ष 2016-17 की अवधि में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं, तब इसका आंसर समझ पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये दो वर्ष दिए हुए हैं, एक है वित्तीय वर्ष 2012-13 और दूसरा है वित्तीय वर्ष 2016-17। तो 2012-13 से 16-17 की जो अवधि थी उस अवधि में बताना है हमें परिवर्तन, और किसका परिवर्तन, तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना का। अब आर्थिक संरचना का तात्पर्य क्या है, तो आर्थिक संरचना का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी। तो जीएसडीपी में क्या परिवर्तन हो गया। इसके अलावा जो जीएसडीपी में भागीदारी देने वाले क्षेत्र हैं, उदाहरण के लिए कृषि, उद्योग और सर्विसेस, इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो ये हमें बताना था इस सवाल में। इसको और बेहतर समझने के लिए हम सीधा इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं। अब ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये टेबल है वर्ष 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे का। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं हम वर्ष 2020 में, तो डेटा हम लेटेस्ट डेटा के अनुसार बात करेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 से लिया हुआ चार्ट है। अब इस चार्ट में आप देखें, सबसे पहले दिया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार भागीदारी, और कैसी, तो प्रतिशत में। इसका मतलब अगर मैं 2015-16 से चालू करूं तो 15-16 के बाद 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, इन 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र का
उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी कितनी भागीदारी रही, यह प्रतिशत में आपको मिल जाएगा। कहां से? तो इकोनॉमिक सर्वे से। तो आपको कुछ नहीं करना था, यही जो प्रवृत्ति है किसकी, बढ़ने की या घटने की, मतलब जो भी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें कृषि क्षेत्र, तो 2015-16 में भागीदारी थी 17.14%, बढ़कर 16-17 में हो गई 19.21%, लेकिन 17-18 में घटकर हो गई 16.62%। तो यही जो पैटर्न है या यही जो बदलाव आया है, कब घटी है कब बढ़ी है, कम से कम इतना बताना है। और अगर परसेंटेजेस आप याद करके गए हैं मेंस में तो और भी अच्छा है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब अगला सवाल आया था, छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा जो परियोजना क्रियान्वित है, इसके अंतर्गत जो हितग्राही हैं उन्हें कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास 6 लाइन रहने वाली है, तो आप कम से कम 1 लाइन में दे दीजिए इसका इंट्रोडक्शन, और बाकी जो 5 लाइन है यहां पे आपको फोकस रहना चाहिए सेवाओं पे। तो आपको यहां पर बताना है कि इस योजना अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात आ जाते हैं वर्ष 2018 के सवालों पे। तो पहला सवाल था, छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने किसानों का कौन कौन सा कर्ज माफ किया है। तो एक तो डेटा पूछा है कितनों का किया है और पूछा है कौन कौन सा। तो ध्यान रखना, अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया था और सिंचाई कर भी किया था माफ। और ये डेटा जो है ये आपको साथ में लिखना होगा कि कितने किसानों का किया था। अगला सवाल था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी योजना पर प्रकाश डालिए। तो वन स्टॉप केंद्र सखी के बारे में काफी चर्चा होती रहती है, यह सवाल जो है उसका संबंध इसी योजना से है। आपको यही योजना को शॉर्ट में 6 लाइन में समझाना था कि योजना कब से क्रियान्वित हो रही है, योजना का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा एक सवाल आया था, छत्तीसगढ़ में निवासरत प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के नाम बताइए। तो आप इसे जनजाति वाले वीडियो में देख ही चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख रूप से निवासरत है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, तो हम देख रहे हैं 8 अंकों के प्रश्न को, शब्द सीमा है 100 और लगभग आपको 10 लाइनें मिलने वाली हैं। तो 2016 में एक सवाल पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में धान जो खरीदी है और उसका जो भुगतान है उसकी क्या व्यवस्था है। मतलब दो चीजों को पूछा गया है, एक तो खरीदी की व्यवस्था और दूसरा भुगतान की व्यवस्था। तो जब आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़े होंगे उसमें आपने ये जो चैप्टर कृषि पढ़ा होगा उसमें आसानी से आपको खरीदी और भुगतान के संबंधित डिटेल्स जरूर मिल जाएंगी। इसके अलावा इससे संबंधित डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से भी प्राप्त हो सकता है जिसे आप इस आंसर में यूज कर पाएंगे। अब अगला एक सवाल पूछा गया था वर्ष 2017 में, और सवाल था, छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें कौन कौन से वर्ष। तो 2012-13 से लेकर 2016-17 की अवधि में, और इसके अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व में केंद्रीय करों में अंश एवं केंद्रीय सहायता अनुदान के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। अब इसको बेहतर समझने के लिए सीधा चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 5 लोक वित्त से मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में पहला एक टेबल हम देखते हैं, सारणी 5.2 या टेबल 5.2।
तो क्वेश्चन का अगर पहला हिस्सा हम देखें तो उसमें बोला गया था वर्ष 2012-13 से लेके वर्ष 2016-17, मतलब इन 5 वर्षों के बीच क्या देखना था, तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं इसकी प्रवृत्ति देखनी थी। मतलब इन 5 वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हैं यह बढ़ी हैं कि घटी हैं। तो आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले ये राशि करोड़ में है, तो पहले थी 29,578, फिर हो गई 32,050, फिर 37,932, फिर 46,067 और फिर हो गए 53,685 करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के बीच में इसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। तो ये था क्वेश्चन का पहला भाग। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के दूसरे भाग में। तो क्वेश्चन का दूसरा भाग हमें विश्लेषण करने को कहता है कर राजस्व में जो केंद्रीय करों का अंश है या प्रतिशत है, इसे भी 2012-13 से लेके 2016-17। तो अगर हम वर्ष 2012-13 में देखें तो अंश था कितना, तो 35.64%। इसके बाद 13-14 में घटकर हो गया कितना, तो 35.46%। इसके बाद फिर से घटा है और घटकर हो गया 34.74%। लेकिन वर्ष 2015-16 में वृद्धि होकर हो गई 47.93% और 2016-17 में वृद्धि होकर हो गई 49.82%। मतलब इसमें पहले गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर से वृद्धि हो गई। और क्वेश्चन का आखिरी जो पार्ट है वह विश्लेषण करने को कहता है गैर कर राजस्व में केंद्र द्वारा जो सहायता राशि है उसके प्रतिशत में, इसे भी करना है वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के बीच में। तो देखेंगे आप कि वर्ष 2012-13 में था 51.51%, 13-14 में घटकर हो गया 48.09%, उसके बाद 14-15 में फिर से वृद्धि हुई 64.84% हो गया, 15-16 में फिर कमी 60.72% और उसके बाद 16-17 में फिर बढ़ गया और हो गया 64.41%। तो यह जो घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति थी इसी को आपको इस आंसर में समझाना था। इसके बाद वर्ष 2018 में 100 शब्दों का एक सवाल आया था, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या कितनी है, तो 1,333 ऐसी समितियां चल रही। अब यह जो समितियां हैं इनका उद्देश्य क्या है, तो प्रथम उद्देश्य तो है क्या, कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण देना। इसके अलावा इनका कार्य और किस में है, तो धान के समर्थन मूल्य में उपार्जन में। इसके अलावा यह समितियां रासायनिक उर्वरक वितरण का भी कार्य करती हैं। तो इसी को आपको डिटेल में समझाना था 100 शब्दों में अपने इस आंसर। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, तो 20 अंकों के प्रश्न पे 250 शब्द के ये सवाल हुआ करते थे। यह जो सवाल हैं अब आना बंद हो चुके हैं क्योंकि नवीन पैटर्न में हमने देखा कि अब 175 शब्द के सवाल आते हैं। फिर भी ये क्वेश्चंस आए हैं तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ष 2016 में ये सवाल आया था जिसमें पूछा गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और इनमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं तथा इन बैंकों की सफलता हेतु सकारात्मक सुझाव देने को कहा गया था।
तो वैसे तो ये क्वेश्चन लग रहा है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखा है, लेकिन है ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। तो इसको आप इंडियन इकोनॉमी में जरूर पढ़े होंगे और मैं आशा करता हूं कि पढ़ने के बाद आप आसानी से इस आंसर को लिख पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं किस पे, तो वर्ष 2017 के सवाल पर इस पे पूछा गया था ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है। तो वैसे तो यह भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, तो ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है, तो शहरों के तर्ज पर ग्रामों का भी विकास होना चाहिए। और कैसा विकास होना चाहिए, तो अधोसंरचना का विकास ग्रामों में पहले तो शहरों के जैसा हो और उसके बाद निरंतर होता रहे, ताकि ग्रामीण विकास का जो क्रम है वो चलता रहे। तो ये तो क्वेश्चन था बड़ा जनरल टाइप का, जिसका आंसर बहुत आसानी से आप लिख सकते थे। इसके अलावा एक सवाल आया था छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामीण विकास की योजनाओं को समझाइए। तो ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी राज्य प्रवर्तित योजनाएं हैं उनको समझाना था। उदाहरण के लिए है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो ये तीन तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं आपको ग्रामीण विकास वाला जो पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे का उसमें मिल जाने वाली है। इस योजनाओं को आपको समझाना है, तो किन किन पॉइंट्स में समझाना है, तो सबसे पहले ये योजनाएं कब से शुरू हुई, इनका उद्देश्य क्या था, और अगर कोई डेटा आपको याद हो कि इन योजनाओं में विशेष रूप से क्या अचीवमेंट आया है, तो ये सारी चीजों को लेके आप इस आंसर को आसानी से लिख पाएंगे। अगला सवाल था 15 अंकों का शब्द सीमा 175 और किस वर्ष आया था, तो वर्ष 2018। तो क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, इन स्रोतों का क्या करना था, वर्णन करना था। तो सबसे पहले तो चार मुख्य स्रोत हैं, इनके नाम आप जानते ही होंगे। तो पहला क्या है, तो पहला है सहकारी समिति, उसके बाद दूसरे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बाद है वाणिज्यिक बैंक, और उसके बाद है भूमि विकास बैंक। तो ग्रामीण साख के चार संस्थागत स्रोत तो मैंने आपको बता दिए। तो चूंकि यह आंसर अपने आप में 175 शब्द का है, तो जब आपको ग्रामीण साख के या रूरल क्रेडिट के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले 2 से 3 लाइन में आप जरूर समझा दें कि ग्रामीण साख या रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है। तो जब आप बताएंगे इसका डेफिनेशन, तब आप इन चारों सोर्सेस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे, और उसके बाद बताइए इन चारों सोर्सेस को 1, 2, 3, 4 और ये किस प्रकार से ग्रामीण साख में अपना योगदान देते हैं। तो मैं अगर मानूं कि 15 अंकों के सवाल में आपको लगभग 17 लाइन मिले, तो कम से कम आप क्या करें, तो 3 लाइन में बताएं ग्रामीण साख क्या होती है, उसके बाद बचे हुए 14 लाइनों में आप इन चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार आप एक बेहतर आंसर और एक बैलेंस्ड आंसर जो है वह लिख पाएंगे इस सवाल का। तो ये था छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण एनालिसिस वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।